हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जो भी आप कहीं भी ऑनलाइन अर्निंग करते हैं और जो भी आपका वॉलेट में पैसा रहता है पेटीएम वॉलेट में, उसे आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना एक भी रुपए चार्ज दिए। दोस्तों बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। जैसा कि फ्रेंड्स फ़ोनपे से अगर आप बैंक में करते हो तो वहाँ पे कुछ टफ होता है करना, ठीक है, और ये सही से नहीं वहाँ पे होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे किसी तरह से आपको वॉलेट क्लोज नहीं करना पड़ेगा और आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका सेम ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, मतलब कि जो पेटीएम में आप ऐड करोगे बैंक, उसी बैंक में पैसा जा सकता है फ्री में, ठीक है, बिना एक भी रुपए चार्ज दिए। मैं लैब आप सभी को करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फ्रेंड्स बेल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करें। मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं सूरज ठाकुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम जो करना है आपको पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। उसके बाद फिर इसके ऊपर क्लिक कर देना है बैलेंस एंड हिस्ट्री वाला ऑप्शन के ऊपर। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखेगा, और जो भी आपका बैलेंस पेटीएम में है देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है बैलेंस उसके ऊपर क्लिक करना है। पेटीएम वॉलेट जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपसे, वो वॉलेट में देख सकते हैं 800 रुपये है, इसके ऊपर अभी मैं क्लिक कर लिया और मैं इसको अपना बैंक में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे ध्यान से देखें आप, मैं अभी आप सभी को स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। तो पैसा कैसे ट्रांसफर होगा फ्रेंड्स, उसके लिए देख सकते हैं एक ऑप्शन आप सभी को यहाँ पे मिल गया, सेंड मनी टू बैंक। इसके ऊपर क्लिक जब आप करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे एंटर अमाउंट लिखना है और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ऊपर में देख सकते हैं नो डायरेक्ट और हायर चार्जेज देख सकते हैं, सेंड मनी फ्रॉम योर वॉलेट टू बैंक फॉर फ्री, ठीक है, मतलब फ्री में ट्रांसफर होगा। तो दोस्तों अभी मैं आप सभी को पैसा चेक करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे कितना अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना UPI डाल के आप सभी को दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं 161 रुपये आप सभी को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देख सकते हैं। और अभी दोस्तों यहाँ पे 800 रुपये दिख रहा है वॉलेट में हमारा है। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्या करते हैं बैक करते हैं और जाते हैं यहाँ पे पेटीएम वॉलेट में और आप सभी को पैसे को जो है इधर करके मैं दिखाता हूँ बैंक में ट्रांसफर करके। तो सेंड मनी टू बैंक में जाना है देख सकते हैं यहाँ, उसके बाद यहाँ पे एंटर अमाउंट करना है। तो मैं यहाँ पे 600 रुपये एंटर कर देता हूँ, फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही देख सकते हैं आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, तो इसी बैंक में मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा पेटीएम से यही बैंक जो है वो रजिस्टर है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लिया और यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान से देख लें, 1 रुपये भी चार्ज आपको पे नहीं करना है, 600 रुपये है तो 600 रुपये डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर देते हैं ट्रांसफर हो जाएगा और देख सकते हैं दोस्तों ये है जो ट्रांसफर हो चुका है, सेकेंड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो पेटीएम वॉलेट में एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, देख सकते हैं मैसेज भी आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में 200 रुपये दिख रहा है, ऊपर में यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ अभी जो ट्रांसफर हुआ है, मतलब मेरे बैंक में पैसा आया वो, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप सभी को अपना बैलेंस चेक करके दिखाता हूँ बैंक का, जो आप सभी को शुरुआत में दिखाए थे 100 कुछ रुपये था, ये रहा फ्रेंड्स 761 रुपये, कुल मिला के जो है 761 रुपये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बिना एक भी रुपए चार्ज दिए पेटीएम वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स काफी सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं आपको पेटीएम वॉलेट में ही पैसे देते हैं। आप उस समय सोचते हो कि पेटीएम वॉलेट से बैंक में पैसा हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कहीं तो चार्ज तो देना नहीं ना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये डॉट्स आप सभी का क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों आपको किसी भी तरह से कोई भी चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पे कर सकते हो और कोई भी इश्यू आप सभी को नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसा था, और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और नहीं तो दोस्तों आप सभी को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैं मिल ही जाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी वीडियो के साथ, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।